होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। सर, हमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया। तुम्हारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है, सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ है ना, जो भी इस बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली है हमारे को कि भाई बैटरी कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी है, वो सारी हम उनका करेंगे। एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप ऐसा क्या कुछ नहीं है। ये आप लोगों ने यहाँ कोई जात पात का नहीं, कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, ना जात पे ना हाथ पे मौ लगेगी। हाथ ऑप्शन बचता है, अब तो नतीजे सामने हैं, अब ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, क्या करने वाले आगे आप? आगे क्या करने वाले हैं, प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ उसकी जरूर हम। भूपिंदर सर, ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में भी तमाम सवाल खड़े हुए थे, कई सीटों पर मार्जिन को लेकर, वोटों की गिनती को लेकर सवाल हुए थे और उसके लेकर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला था। अभी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं 99% और 66% वाला, जहां पर नई ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, बता चुके हैं इनको लेकर किस तरीके से बता चुका मैंने। हाँ, रिप्रेजेंटेशन वो AICC में जयराम ने कहा है, वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करें। हुड्डा सर, अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार यानी 2019 की तुलना में बेहतर हुआ था और महज कुछ महीने बाद बीजेपी एक बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाती है, सत्ता के पक्ष में वोट मिलता है। बीजेपी की ताकत मानते हैं या आप लोग अपनी कमजोरी मानते हैं? 19 में जोड़ जुगाड़ से इन्होंने बनाया था, सरकार बनाई थी, अब मैंने जो बताया उसका कारण बताया। अगर ये ऐसे होते तो इनको मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी? जमीनी माहौल था, बिल्कुल बदलाव के पक्ष में था, वही मैं कह रहा हूँ। आश्चर्यचकित साहब, कुमारी सैलजा ने कहा है कि जो जिम्मेवार लोग हैं हार के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। कौन लोग? पार्टी जांच करेगी। आपको लगता है कोई है हार के जिम्मेवार? मेरे क्या पता, कोई अगर किसी को होगा शिकायत तो पार्टी भी जाएगी, कमेटी बनेगी पार्टी की, पूरी होता है इसमें तो एक प्रथा है पार्टी। बुढ़ा साहब, ये तीसरा चुनाव है जो देखा गया है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा, जीती हुई बाजी आपके हाथ से, कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है, क्या आपको क्या लगता है कि इसका अध्ययन होना चाहिए, क्या बदल ये आप लोग भी अध्ययन करो इसका। सर, एक आखिरी सवाल सर, इस चुनाव में आप लोग भी अध्ययन करो। सर, इंडिया गठबंधन इस चुनाव में एकजुट नहीं रह पाया, आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों की बातचीत चली जो बन नहीं पाई बात, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात भी, क्या मानते हैं आपको हमारी बात? क्या पता गठबंधन समाजवादी के साथ कभी बात ही नहीं चली हमारी, ना उन्होंने कहा सर, कभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर अलायंस होता हमारा तो ये परिणाम नहीं आता। आम आदमी चला था, हमने ऑफर किए थे, लेकिन आपने देखा क्या परफॉर्मेंस क्या थी, उस कमी की वजह से क्या ये परिणाम आया? नहीं नहीं, ये क्या अलायंस की बात है, नहीं हमारे वो हुआ सर, इसी से एक जुड़ा सीपीएम ने मांगी सीट हमें दे दी। अगर आम आदमी पार्टी भी अपने उसके हिसाब से मांगती जो ड्यू था उसका हम जरूर देते, हमें तो ऑफर किया था, बस हो आवाज पर थे। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की हार हुई है और आप 10 साल बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का हवाला बार बार दिया, क्या बड़ा लगता है आपको इस हार का, इस चुनाव में? बता दो दिया। कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। सर, हमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया। तुम्हारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है, सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब? की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ है ना, जब इस बात की वो करेंगे, शिकायतें मिली है हमारे को
कि भाई बैटरी कहीं कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, इस किस्म की शिकायतें उम्मीदवारों ने दी है, वो सारी हम उनका करेंगे। बुड्ढे साहब, एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप ऐसा क्या कुछ नहीं है, ये आप लोग यहाँ कोई